दिन प्रतिदिन गंदले हो रहे वातावरण को शुद्ध बनाने में अपना योगदान पाते हुए नौवें पातशाह साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 401 साल प्रकाश पुरब को समर्पित आसरा फाउंडेशन श्री अनंदपुर साहब के नौजवानों वालों श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज श्री अनंदपुर साहब विखे बूटियां का लंगर लगाया गया, जिस विच राहगीरां नूं 400 के करीब वक् वक् तरह के बूटे वंडे गए। उत्ते ही वध तों वध बूटे लगाने लई भी उन्हां नूं प्रेरित किया गया। इस मुहिम की शुरुआत श्री केशव गोयल SGM श्री अनंदपुर साहब वालों की गई। इस मौके जिथे उन्होंने नौजवानों के इस उपराले की जोरदार शलाघा की, उत्ते ही उन्होंने कहा कि अज के समय में इहोजे उपरालिया की लोड़ है। जिथे वातावरण गंदला हो रहा है, उत्ते ही इहोजे उपराले वातावरण की शुद्धता में अपना कीमती योगदान भी पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेरा पंजाब न्यूज। आज जो आसरा फाउंडेशन श्री आनंदपुर साहब वालों बूटियां का लंगर लगाया गया है, बड़ा ही शलाघा योग उपराला किया गया है। तो इत्थे वख-वख फलदार बूटे जिमें कि अंब, जामन, आमला, लुगाट, अमरूद ते होर फलदार बूटे जिहड़े इत्थे लंगर वजों जो इत्थे आ रहे ने लोग उन्हां नूं दित्ते जा रहे ने, ते बड़ा ही शलाघा योग उपराला है। मैं इस संस्था की सारे ही अहुदेदारां दी जिहड़ी है वधाई दे पात्र ने, तारीफ दे पात्र ने। इत्थे मैं खुद देख रहा कि हाईवे ते वख-वख जिलों तो जिमें कि हुशियारपुर, नवांशहर तो जो लोग आ रहे ने उन्हां इत्थों पास आउट होकर जा रहे ने, बड़ी ही तारीफ कर रहे ने इस उपराले की। सो इस दे नाल ही इन्हां वालों एक प्रण भी दिता गया है, जिस विच लिखा है हर एक व्यक्ति जो इत्थों बूटा लैके जाएगा उसकी सांभ संभाल करेगा, उसकी केयर करेगा तो उसनों पालेगा तो वातावरण में साफ और शुद्ध करने के सहयोग देगा। आनंदपुर साहब की पावन धरती, जिस धरती को गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने 19 जून 1665 में सोना किया, इस धरती से पहला हरियावल सी, समय के नाल बदलते बदलते आज हरियावल बहुत घटती जा रही है। ये आसरा फाउंडेशन वाले वीरां दा बहुत बड़ा उपराला है कि आनंदपुर साहब की धरती को मुड़ के हरिया ते भरिया करन वास्ते इन्होंने जे आज लंगर लाया बूटियां दा, बहुत वड्डी गल है। सच्चे पातशाह इन्हां वीरां ते सदा अपना मेहर भरिया हाथ रखन, यह समाज की ते पंथ की सेवा करते रहन। बहुत बहुत धन्यवाद है समुचे वीरां दा। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आसरा फाउंडेशन वालों जिहड़ा ये बूटिया का लंगर लगाया गया है, ये वीरां वालों बहुत ही शलाघाजोग जिहड़ा कदम है चुकया गया है। अज समय की जरूरत है जी कि बूटिया लगा के आप जिहड़ा साडा पर्यावरण है उन्हें असी बचाया जा सके, तो ये जिहड़े वीरां वालों इन्हां दा लंगर लगा के लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, फ्री बूटे वंडे जा रहे हैं तो लाने लई इस जिहड़ा वातावरण पर बहुत वधिया प्रभाव पड़ेगा जी, तो इहदे नाल साडी जिहड़ा वातावरण शुद्ध होगा तो फलदार बूटे वंडे जा रहे हैं। असं इन्हों का जिन्ना धन्यवाद कर सकते हैं थोड़ा है जी। मैं आसरा फाउंडेशन के समूह प्रबंधकों वधाई दिता है कि उन्होंने वालों जे जो ये उपराला किया गया बहुत वधिया उपराला है, जो मतलब बूटे वंड के जो इलाके हरिया भरिया किया जा सके। साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी दे वसाई हुई नगरी के आप वासी हैं, तो उन्हां दी नगरी नूं हरा भरा करन दे लई मैं समूह आनंदपुर साहब वासियों नूं बेनती करदा कि बूटे वध तों वध लगाए जाण, ते समूह प्रबंधकां दा धन्नवाद करदा जो इन्हां ने शलाघाजोग उद्यम किया। आसरा फाउंडेशन श्री आनंदपुर साहब वालों जो पौद्यां दा बूटियां दा लंगर लगाया गया है, ये बहुत ही शलाघाजोग उपराला है। इस दे लई ये वातावरण नूं बहुत ज़्यादा लाभ होवेगा, अज के समय की बहुत ज़्यादा जरूरत भी है। गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश दिहाड़े समर्पित जिहड़ा बूटियां का लंगर लाया गया, बहुत ही शलाघाजोग है।